महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। इस मामले में केस कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि समीर खान को जमानत मिल गई थी। सूत्रों की माने तो एनसीबी समीर की जमानत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेगी। एनसीबी ने शुक्रवार को ही इस मामले को एनसीबी के मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से वापस ले लिया था। फिलहाल यह मामला एनसीबी दिल्ली की ऑपरेशनल यूनिट के पास है, जिसके इंचार्ज डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह है। सूत्रों ने कहा है कि एसआईटी अब मलिक के दामाद समीर खान को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। माना जा रहा है कि एनसीबी के इस कदम से राजनीतिक विवाद हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीबी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जमानत को चुनौती देने का फैसला पिछले महीने की शुरुआत में ही कर लिया गया था। समीर खान को एनसीबी ने तब तलब किया जब एनसीबी को एक अन्य ड्रग मामले में एक आरोपी के साथ 20,000 रुपए के लेन देन के सबूत मिले थे। उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने दावा किया था कि उन्हें 200 किलोग्राम ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी की जांच में यह पता चला था कि समीर खान ड्रग पेडलर करण सजनानी ट्रक सिंडिकेट में बतौर सक्रिय सदस्य काम करता था। जांच में यह भी पता चला था कि समीर करण को फंडिंग में करता था। फिलहाल एनसीबी ने समीर खान का मोबाइल जब्त किया था और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। हालांकि मलिक परिवार ने दावा किया था कि वह हर्बल तंबाकू था। मलिक ने एनसीबी और वानखेड़े पर बीते महीने जमकर हमला किया। समीर खान का मामला तब सुर्खियों में आया जब एनसीबी ने पिछले महीने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद समीर खान के ससुर नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड सितारों से जबरन वसूली, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने और शाहरुख खान को फंसाने के लिए फर्जी मामले बनाने का आरोप लगाया। मंत्री ने एजेंसी पर बॉलीवुड और महाराष्ट्र की छवि खराब करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। नवाब मलिक शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी पर हमलावर है। उनके दामाद की गिरफ्तारी में भी समीर वानखेड़े शामिल थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि नवाब मलिक आर्यन खान के बहाने अपने दामाद समीर खान पर की गई एनसीबी कार्रवाई की खुन्नस निकाल रहे हैं। शुक्रवार को ही वानखेड़े से मामले वापस लिए जाने के बाद मलिक ने कहा था कि एनसीबी अधिकारी को मामले से हटाना अभी शुरुआत है। एनसीबी नेता मलिक ने कहा था, आर्यन खान मामले समेत 5 मामलों से समीर वानखेड़े को हटाया गया है। कुल 26 मामले हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ये तो बस शुरुआत है। सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है और हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।